नमस्कार, मैं हूं प्रशांत राव। आप देख रहे हैं GBN24 खबरें अलीगढ़ की, जहां RSS के कार्यकर्ता को बदमाश ने गोली मारकर फरार हो गए। देखिए हमारी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मजरा क्षेत्र के गांव मुकंदपुर में देर रात अज्ञात कार सवार बदमाशों के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नगर कार्यवाहक की बाइक को ओवरटेक कर गोलीकांड और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियारों से लैस कार सवार बदमाश संघ से जुड़े नगर कार्यवाहक को गोली मारकर उसके साथ लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। संघ से जुड़े नगर कार्यवाहक को गोली मारी जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोली लगने से घायल नगर कार्यवाहक को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया। मुकंदपुर गांव में कार सवार हथियार बंद बदमाशों ने अलीगढ़ पुलिस को चुनौती पेश करते हुए RSS से जुड़े नगर कार्यवाहक के साथ सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। स्वयंसेवक संघ से जुड़े नगर कार्यवाहक बाइक पर सवार होकर मुकंदपुर गांव की तरफ जा रहा था, तभी कार में सवार हथियारों से लैस बदमाशों ने कार्यकर्ता की बाइक ओवरटेक कर बाइक रुकते ही उसके ऊपर फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा वह गोली मारने और लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को JNMC में भर्ती कराया। RRS से कार्यकर्ता को कार सवार बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने की सूचना जंगल में आग लगी की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही सांसद विधायक सहित सैकड़ों BJP कार्यकर्ता EMU के JNMC मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और RSS कार्यकर्ता के साथ करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। वही संघ से जुड़े कार्यकर्ता को गोली मारे जाने के बाद अलीगढ़ पुलिस के सर्दी में पसीने छूटे। संघ और BJP कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस इलाके में लगे CCTV फुटेजों से अज्ञात कार सवार बदमाशों की तलाश करने के साथ ही गिरफ्तारी में जुट गई है।